अब Q2 को हमने, Q2 क्या है, Q2 कह रहा है एवरी स्टेट ऑफ Q, और एवरी स्टेट में एक बार Q0 है और एक बार Q1 है, तो Q0 तो हमने ले लिया, अब क्या लेंगे हम Q1, तो Q1 ऐसे, अब जो भी यहाँ पे रिपीट वही रिपीट यहाँ होगा, तो हमने भी यहाँ पे लिखा Q1 कॉमा B रहेगा, अब Q0 यहाँ पे ये Q0 है तो यहाँ भी क्या रहेगा Q0, क्लियर। फिर हमने अब इस Q0 का हम काम हो गया, अब हमें किसके लिए लेना है Q1 के लिए, क्योंकि देर आर टू स्टेट्स। नाउ वी विल टेक Q0 कॉमा B कॉमा Q' की जगह अब क्या लेंगे हम Q1 टेंस टू A ही रहेगा, ये Q1 ही रहेगा, ये A ही रहेगा, यहाँ Q0 Q1 है तो Q0 आ गया, और यहाँ Q0 रिपीट हो गया, B हो गया, और ये अब देखो यहाँ पे Q1 है तो यहाँ पे आएगा Q1, ये ध्यान देने की बात है, यहाँ Q1 है तो यहाँ भी हमें लेना पड़ेगा Q1, क्योंकि Q1 क्या है हमारा अब लास्ट है, ये दिस इज द लास्ट वेरिएबल एज गिवन इन दिस। अब यहाँ पे फिर से क्या आएगा Q0 कॉमा B कॉमा Q1 टेंस टू Q1 कॉमा A कॉमा Q1 एंड देन, क्योंकि यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है क्यों, जैसे Q0 हुआ है इसी तरह से Q1 कॉमा B कॉमा Q1, सो दीज फोर प्रोडक्शंस विल बी द प्रोडक्शंस फॉर दिस सिंगल ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन के लिए ये चार प्रोडक्शन बनेंगे, ये ज्यादा भी हो सकते थे, ये किस पे डिपेंड करेंगे, ये एक तो कैपिटल क्यू पे डिपेंड करेंगे, कितनी है Q0 Q1 है, सपोज यहाँ पे Q2 भी हुई होती तो हमने Q0 ले लिया, फिर Q1 ले लिया, फिर हम Q2 भी लेंगे, अब क्योंकि यहाँ पे Q0 लिया तो सिमिलरली यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, Q0 ले लिया, फिर Q1 ले लिया, फिर Q2 लेंगे, तो ये जो प्रोडक्शंस बनेंगे इसके डिपेंड करेंगे इस पे कि कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स लाई करती हैं इस कैपिटल क्यू के अंदर, राइट। सो दिस इज रूल नंबर 3, सो देर आर दीज 3 रूल्स, रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3, टू कन्वर्ट एवरी पुश डाउन ऑटोमेटा इनटू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब हमने पुश के लिए देख लिया, पॉप के लिए देख लिया, अब हमने देखना है तीसरा क्या आता है हमारा, तीसरा आता है हमारा नो ऑपरेशन, तो नो ऑपरेशन में रूल नंबर 3 अप्लाई लगेगा, नो ऑपरेशन, तो नो ऑपरेशन क्या कहता है, नो ऑपरेशन कहता है द ट्रांजिशन ऑफ सपोज Q0 कॉमा A कॉमा B इज इक्वल टू Q1 कॉमा B, तो यहां इसका मतलब है नो ऑपरेशन, उसने पढ़ा B स्टैक से लेकिन स्टैक में कोई ऑपरेशन नहीं किया, नाइदर पुश नॉर पॉप, तो क्या करे अब इस तरह के प्रोडक्शंस में, क्या करे इस तरह के ट्रांजिशन के लिए प्रोडक्शन जो बनेगा, तो वी विल अप्लाई रूल नंबर 3, तो अप्लाई अगेन रूल नंबर 3, तो रूल नंबर इसमें भी रूल नंबर 3 ही अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा कि जैसे Z1 Z2 Z3 वहां पर आ रहे थे, यहां पर हमारा Z1 होगा, तो रूल नंबर 3 फिर से क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है एंड कैप हियर कैपिटल क्यू इज इक्वल टू Q0 कॉमा Q1, तो क्या कहता है रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 सेज दैट व्हाट एवर दिस स्टेट इज हियर, तो यहां पर क्या आएगा Q0 कॉमा जो भी यहां बी लिखा है, तो बी कॉमा अब क्या कहता है Q1, अब Q1 की जगह क्या आ रहा है एक बार Q0 और एक बार Q1, तो यहां पे लिखा हमने Q0 टेंस टू ये वाला A, यहां पे आ जाएगा A इन ब्रैकेट, ये वाला Q1 तो यहां पे क्या आ जाएगा Q1 कॉमा, अब यहां पे क्या आएगा ये B, अब क्योंकि B तो लास्ट है, यहां पे B लास्ट है, तो जो भी हमने यहां लिया है वो यहां पे आ जाएगा Q0, एक बार Q0 यहां पे आ जाएगा Q0 कॉमा B कॉमा Q1 टेंस टू A Q1 कॉमा B कॉमा Q1, तो इसके लिए जो बनेंगे हमेशा ध्यान रखो इसके लिए दो प्रोडक्शन बनेंगे, अब दो नहीं हो तीन भी हो सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो तो कैपिटल क्यू पे डिपेंड करेगा, कितना कैपिटल, ये कैपिटल क्यू है, यहाँ पे Q0 Q1 दो है तो दो प्रोडक्शन बनेंगे, सपोज Q0 Q1 Q2 होता तो तीन प्रोडक्शन बन जाते, उसमें क्या ले लेते हम Q0 B Q2 टेंस टू A Q1 B Q2 ऐसे हो जाता हो, तो ये क्या बन जाता हमारा फॉर नो प्रोडक्शन, इज इट क्लियर टू ऑल। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल,
एग्जांपल देखेंगे तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस तरह से हमें कन्वर्ट करते हैं, क्या हमें प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना पड़ेगा वो भी जरूरी है। अभी तक तो हमने तीनों रूल्स को समझा, अब रूल्स को समझने के बाद हम देखते हैं किसी भी ग्रामर प्रोडक्ट पीडीए के लिए हम किस तरह से हम ग्रामर बनाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा आपका कि कन्वर्ट या कंस्ट्रक्ट सीएफजी फॉर गिवन पीडीए, और पीडीए गिवन होगा ऐसे करके ए इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉमा क्यू वन ए कॉमा बी जेड नॉट कॉमा जेड वन जेड मान लो डेल क्यू नॉट जेड नॉट एंड फाई। सब कुछ इस तरह से दिया हुआ क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन पीडीए की होती है देर आर हाउ मेनी टपल्स, देर आर सेवन टपल्स, दिस इज क्यू कैपिटल क्यू, दिस इज सिग्मा, दिस इज टाओ विज द टेप सिंबल, दिस इज टेंशन इज विल बी गिवन लेटर, दिस इज इनिशियल स्टेट, दिस इज इनिशियल सिंबल ऑफ स्टैक एंड फाई इज दैट मीन्स देर इज नो फाइनल स्टेट। तो दिस ट्रांजिशंस आर इस तरह से देगा प्रॉब्लम, ट्रांजिशंस आर ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट कॉमा बी कॉमा जेड नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉमा जेड जेड नॉट, ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट कॉमा नल कॉमा जेड नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉमा नल, फिर तीसरा देगा ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट कॉमा बी कॉमा जेड इज इक्वल टू क्यू वन कॉमा नल, और क्यू वन कॉमा ए कॉमा जेड नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉमा जेड नॉट। ये हमारा मान लो कोई गिवन कॉन्टेक्स्ट पीडीए है और इस पीडीए को आपको कन्वर्ट करना है एक ग्रामर में। तो ग्रामर क्या होती है, द सॉल्यूशन, नाउ द सॉल्यूशन इज हाउ टू कन्वर्ट दिस। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन इज नाउ इनिशियली सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एस प्रोडक्शंस, क्योंकि रूल नंबर वन लगाना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले बिना कुछ सोचे सोचे हम यहां पर लिखेंगे द ग्रामर इज, तो ग्रामर की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रामर की डेफिनेशन होती है जी इज इक्वल टू वी एन सिग्मा पी एस। तो हमें बनाने क्या है, हमें मेन तो बनाना है पी प्रोडक्शन और एस हमारा स्टार्टिंग सिंबल। तो हमें स्टार्टिंग प्रोडक्शन चाहिए सबसे पहले, तो द प्रोडक्शंस आर हम लिखेंगे द प्रोडक्शंस आर तो प्रोडक्शंस कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले बनाएंगे एस प्रोडक्शन, क्योंकि किसी भी ग्रामर में हमने जितनी भी ग्रामर पढ़ी है उसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें एस प्रोडक्शन। एस प्रोडक्शन मतलब स्टार्टिंग प्रोडक्शन, तो स्टार्टिंग प्रोडक्शन हमने रूल नंबर वन में पढ़ा था। तो एस प्रोडक्शन क्या कहता था, एस टेंस टू, अब यहां कितनी स्टेट है, तो यहां देखो स्टेट लिखी है क्यू नॉट एंड क्यू वन, तो एस टेंस टू क्या लिखेंगे हम, क्यू नॉट कॉमा जेड नॉट कॉमा क्यू नॉट, एक प्रोडक्शन ये बना। दूसरा क्या बना, एस टेंस टू क्यू नॉट कॉमा जेड नॉट कॉमा क्यू वन, ये हमारे बनना ही बनना है। क्यू नॉट ही रहेगा, जेड नॉट रहेगा, क्यू नॉट इज इनिशियल स्टेट, जो भी इनिशियल स्टेट यहाँ पे है वो इनिशियल स्टेट यहाँ आएगी, जो भी एम्प्टी सिंबल है स्टैक का वो यहाँ पे, तो वो यहाँ आएगा। ये क्यू नॉट और जेड नॉट ये क्या है, इनिशियल स्टेट रहेगी। ये क्या है हमारा, जेड नॉट इज इनिशियल स्टैक सिंबल, तो इनिशियल स्टैक सिंबल रहेगा। और ये जो है ये क्या रहेगी, एवरी स्टेट स्टेट ऑफ कैपिटल क्यू। तो यहां हमें सोचना ही सोचना नहीं है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। एस प्रोडक्शन जब हम बना रहे होंगे तो एस प्रोडक्शन टेस्ट हो जाएगा, एस टेंस टू इनिशियल स्टेट कॉमा इनिशियल स्टेट क्या है, जेड क्यू नॉट, तो क्यू नॉट कॉमा जेड नॉट कॉमा क्यू नॉट, क्योंकि एस टेंस टू क्यू नॉट कॉमा जेड नॉट कॉमा क्यू वन, ये दोनों हमें प्रोडक्शन बनाने ही बनाने हैं। यदि यहां पे एक और होता क्यू टू, तो हमारा एस टेंस टू क्यू नॉट जेड नॉट क्यू टू और बन जाता।
सबसे पहला काम हम जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों प्रोडक्शन हमें बनाने हैं। अब क्या करेंगे, अब वन बाय वन सबको लेंगे और हर एक किसी के लिए हम प्रोडक्शंस बनाएंगे, हर किसी के लिए हम ग्रामर बनाएंगे। तो हमने लिया, सपोज हम पहले नल वाले ले लेते हैं, नल वाले थोड़े आसान रहते हैं, पॉप ऑपरेशन एक ही स्टैक का रूल होता है, रूल नंबर टू लगता है। तो हमने लिया फॉर, किसके लिए हमने लिखा फॉर, ऐसे करके फॉर टेंशन ऑफ क्यू नॉट कोमा नल कोमा जेड नॉट, हम ये दूसरे वाला प्रोडक्शन टेंशन ले रहे हैं, इज इक्वल टू क्यू नॉट कोमा नल, ये हमारे व्यास दिया हुआ। तो इसके लिए हमारा ग्रामर क्या होगा, इसके लिए प्रोडक्शन क्या होगा, तो प्रोडक्शन क्या होगा इसके लिए, हमने लिखा फॉर दिस, इसके लिए। तो यहाँ पे रूल, जब भी हमने पॉप देखा तो ये जैसे नल लगा तो पॉप हो रहा है, पॉप के लिए रूल नंबर रखता है टू, तो रूल नंबर टू क्या कहता है, वट एवर दिस स्टेट इज हेयर, तो हमने लिखा यहाँ पे क्यू नॉट कॉमा वट एवर दिस जेड नॉट इज हेयर, वट एवर दिस जेड नॉट कॉमा, जो भी यहाँ पे लिखा है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट ये यहाँ पे आ गया, ये आ गया, ये आ गया, दिस एज पर रूल नंबर टू, और जो भी यहाँ पे है वो यहाँ आ जाएगा। आपको एरो बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको एरो बना के समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये तो ये बन गया हमारा इसके लिए, ये दोनों बने हमारे, ऐसे करके बॉक्स भी बनाते चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको समझ में आ जाएगा एग्जामिनर जो चेक करेगा। एस प्रोडक्शन जरूर बनेंगे, वो किसी भी गिविन प्रोडक्ट टेंशन के लिए नहीं होते, वो डिपेंड करता है हमारी स्टेट्स कितनी हैं। तो ये बने हमारे स्टार्टिंग प्रोडक्शन। अब हमारा ये बना है यहाँ पे पहला प्रोडक्शन, ये किस प्रोडक्शन के लिए, किसके लिए बना, ये वाले ट्रांजिशन के लिए। अब आगे और ट्रांजिशन देखते हैं वन बाय वन और बनाते हैं। अब हम तीसरे वाला ट्रांजिशन लेते हैं, तीसरे वाले के लिए भी हम यही बना सकते हैं। हमने लिया नाउ फॉर ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट कोमा बी कोमा जेड इज इक्वल टू क्यू वन कोमा नल। अब क्यू वन कोमा नल हमें लगाना है, तो यहाँ पे देखो फिर से वही, तो यहाँ आ गया क्यू नॉट कोमा, ये जेड है तो यहाँ पे आ गया जेड कॉमा, यहाँ क्यू वन है तो यहाँ भी आ गया क्यू वन, टेंस टू ये बी है तो यहाँ पे आ गया बी। अब किसी को कोई समस्या है तो बता सकता है, वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो भी स्टेट यहाँ लिखी हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो क्यू नोट यहाँ लिखा हुआ है तो सीधा सीधा क्यू नोट आ गया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है जेड तो जेड जेड यहाँ पे आ गया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यू वन यहाँ लिखा है तो क्यू वन यहाँ लगा दो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब बी यहाँ लिखा है तो सीधा जो भी यहाँ पे लिखा होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ नल लिखा था तो यहाँ नल आया, अब यहाँ बी लिखा तो यहाँ बी आएगा। तो हमारा इसके लिए भी हो गया और इसके लिए भी, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा वाला, तीसरा वाला क्या लिखा है, थर्ड इज फॉर टेंशन क्यू कोमा क्यू वन कोमा ए कोमा जेड नॉट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ट्रांजिशन, फॉर ट्रांजिशन क्यू वन कॉमा ए कॉमा जेड नॉट, क्यू वन कॉमा ए कॉमा जेड नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट जेड नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉमा जेड नॉट। अब यहां देखो ये काम क्या कर रहा है, ये नो ऑपरेशन काम कर रहा है, नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, नो ऑपरेशन का मतलब है के नीदर पुश नॉर पॉप। तो यहां भी रूल नंबर थ्री लगेगा। अब रूल नंबर थ्री क्या कहता है कि जो भी स्टेट यहां पे है, तो यहां क्या लिखा है क्यू वन वट एवर दिस स्टेट इज हेयर कॉमा, यहां जेड नॉट है तो यहां भी क्या आ जाएगा जेड नॉट कॉमा। अब क्या कहता है वो, वहां पे कहता है क्यू डैश, और क्यू डैश क्या है, क्यू डैश इज एक बार क्यू नॉट और एक बार क्यू वन। तो वंस वी विल टेक क्यू नॉट टेंस टू दिस ए वट एवर दिस इज विल बिकम हेयर ए, जो भी यहाँ स्टेट है वो आएगी यहाँ पे क्यू नॉट कॉमा, यहाँ जेड नॉट है तो यहाँ आएगा जेड नॉट कॉमा, जो भी यहाँ स्टेट है वो यहाँ पे आएगी क्यू नॉट। दूसरा क्यू वन कॉमा जेड नॉट कॉमा, क्योंकि क्यू डैश था तो एक बार क्यू नॉट, अब दूसरी बार में क्यू वन, टेंस टू ए, ये वाला ए ही रहेगा, ये क्यू नोट रहेगा जेड नोट जेड नोट, अब जो भी यहाँ पे क्यू वन है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा क्यू वन। दिस विल बी टू प्रोडक्शंस फॉर दिस ट्रांजिशन। अब तीसरा वाला ट्रांजिशन बचा लास्ट वाला, फॉर जो फर्स्ट ट्रांजिशन है, और फर्स्ट ट्रांजिशन क्या लिखा हुआ है, फॉर ट्रांजिशन क्यू नोट कोमा बी कोमा जेड नोट इज इक्वल टू क्यू नोट कोमा जेड जेड नॉट।
अब इसके लिए हमारे प्रोडक्शंस क्या होंगे वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये प्रोडक्शंस कैसे निकालते हैं। तो ये प्रोडक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल डू समथिंग लाइक, तो हमने रूल नंबर यहाँ पे भी अगेन लगाएंगे रूल नंबर थ्री, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती रूल नंबर थ्री। तो हम कैसे लगाएंगे रूल नंबर थ्री, तो हम लिखेंगे ऐसे करके जो भी यहाँ पे स्टेट है क्यू नॉट, तो यहाँ आया क्यू नॉट कॉमा, यहाँ क्या लिखा है जेड नॉट, तो यहाँ भी कितना आएगा जेड नॉट कॉमा, अब क्या लिखा था क्यू डैश, और क्यू डैश क्या है एक बार क्यू नॉट और एक बार क्यू वन, तो हमने लिखा क्यू नॉट। अब यहाँ पे क्या लगाना है टेंस टू, ये वाला क्यू नॉट यहाँ आया जेड नॉट यहाँ आया, टेंस टू दिस बी ब्रैकेट दिस क्यू नॉट कॉमा दिस जेड कॉमा, अब क्या कहता है क्यू टू, और क्यू टू क्या है एक बार क्यू नॉट है और एक बार क्यू वन है, तो पहले ले लिया हमने क्यू नॉट, और जो यहां पे आएगा वो सेम हमारे यहां आएगा, तो क्यू नॉट यहां पे है तो यहां भी आएगा क्यू नॉट कॉमा, ये क्या है जेड नॉट, तो यहां भी क्या आ जाएगा जेड नॉट हियर दिस जेड नॉट कॉमा। अब क्योंकि लास्ट सिंबल है तो लास्ट सिंबल में क्या होता है जो यहां लिखा होता है वो यहां होगा, क्या होगा क्यू नॉट, वट एवर द रिटन इज हियर विल बी रिटन सेम एज हियर। अब एक बार जब हमने यहाँ Q नोट ले लिया, अब क्या लेंगे हम यहाँ Q1 लेंगे, तो Q1 कैसे लेंगे Q नोट कोमा जेड नोट कोमा Q नोट टेंस टू B, यहाँ क्या लेंगे हम Q नोट कोमा जेड कोमा, अब Q1 ले लिया, अब ने Q1 लिया तो रिपीट होगा यहाँ पे जो Q1 है वो यहाँ पे आएगा, तो Q1 कोमा जेड नोट कोमा Q, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ Q नोट, तो यहाँ भी रहेगा एक Q नोट। तीसरा प्रोडक्शन, जब यहाँ Q नॉट खत्म हो गया तो अब आएगा Q1, तो यहाँ पे आएगा Q नॉट कोमा जेड नॉट कोमा Q1 टेंस टू B Q नॉट कोमा जेड कोमा एक बार Q नॉट और एक बार Q1, तो Q नॉट कोमा जेड नॉट कोमा Q नॉट, अब नहीं है Q नॉट नहीं आएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा Q1, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए Q1, है ना, इट विल नॉट बी Q नॉट राइट। सेम अब यहाँ एक बार हमने Q नोट ले लिया, अब Q1 लेना पड़ेगा, तो Q नोट कॉमा जेड नोट कॉमा Q1 टेंस टू B Q नोट कॉमा जेड कॉमा Q1, अब ये Q1 है तो Q1 रिपीट होगा यहाँ पे Q1 कॉमा जेड नोट कॉमा, जो यहाँ पे Q1 लिखा होते हैं भी क्या आएगा Q1। तो दीज आर द फोर प्रोडक्शंस फॉर दिस ट्रांजिशन, इस एक ट्रांजिशन के लिए हमारे पास कितने प्रोडक्शंस आए, फोर प्रोडक्शंस आए। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट एनी पुश डाउन ऑटोमेटा टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, बहुत छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं, क्योंकि जब हम एग्जांपल नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। एक और बहुत छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं हम, क्वेश्चन है कन्वर्ट या कंस्ट्रक्ट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर गिवन पीडीए। तो क्या है, सपोज पीडीए इज गिवन ए इज इक्वल टू क्यू नॉट क्यू वन कॉमा ए कॉमा बी कॉमा जेड नॉट कॉमा जेड वन कॉमा डेल क्यू नॉट जेड नॉट एंड फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यस ठीक है। सो देन द एंड गिवन, व्हाट इज द गिवन, द ट्रांजिशन इज गिवन एज ट्रांजिशन क्या दिया हुआ उसने, ट्रांजिशन इज गिवन एज ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट कॉमा ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉमा बी, ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट कॉमा ए कॉमा जेड नॉट इज इक्वल टू क्यू वन कॉमा ए जेड नॉट, तीसरा Q नॉट कॉमा ए कॉमा ए इज इक्वल टू Q1 कॉमा नल, एंड द फोर्थ इज Q1 कॉमा ए कॉमा बी इज इक्वल टू Q1 कॉमा नल। दिस इज द प्रॉब्लम
और इसके लिए वो कह रहा है कि कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू पीडीए सॉरी सीएफजी। तो कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन? तो हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एस प्रोडक्शंस चाहिए। तो हम यहां पे लिखेंगे एस प्रोडक्शंस आर। तो एस प्रोडक्शन क्या होंगे, एस टेंस टू वही हमारा क्यू नॉट इनिशियल स्टेट कॉमा जेड नॉट कॉमा एक बार क्यू नॉट और एक बार एस टेंस टू क्यू नॉट कॉमा जेड नॉट कॉमा क्यू वन। ठीक है, हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। हमने लिखा अब यहां पे, अब हम हर एक ट्रांजिशन को लेंगे और वन बाय वन हर एक ट्रांजिशन के लिए कंस्ट्रक्ट करते हुए चलेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो अब हमने क्या लिया, फॉर ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट कॉमा ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉमा बी। अब यहां पे क्या कर रहा है, नो ऑपरेशन, ये हमें देख के पता चला। कैसे पता चला दिया ऑपरेशन, यहां पे केवल सिंगल सिंबल लिखा हुआ है। जब भी सिंगल सिंबल लिखा हुआ है तो इसका मतलब नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन के लिए कैसे काम करता है हम समझ लो ध्यान से। इसके लिए रूल नंबर थ्री लगेगा, रूल नंबर थ्री लगेगा। तो यहां पे क्या लिखा, क्यू नॉट, तो यहां पे लिखेंगे हम क्यू नॉट कॉमा, यहां बी लिखा हुआ तो यहां लिखेंगे बी कॉमा। अब मैं एरो एरो नहीं लगा रहा हूं, ध्यान से दो, क्यू नॉट कॉमा बी कॉमा। अब एक बार क्यू नॉट और एक बार क्यू वन, तो हमने लिखा यहां पे क्यू नॉट टेंस टू जो भी ए लिखा है यहां पे, तो ए ब्रैकेट क्यू नॉट लिखा तो क्यू नॉट कॉमा बी लिखा तो बी कॉमा, यहां क्यू नॉट लिखा तो यहां भी क्या लिखेंगे हम क्यू नॉट, एक बार क्यू नॉट और एक बार क्यू वन। अब क्या लिखेंगे हम, क्यू नॉट कॉमा बी कॉमा क्यू वन टेंस टू ए क्यू नॉट कॉमा बी कॉमा, यहां क्यू वन लिखा तो यहां भी क्यू वन आएगा। ये ध्यान रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां क्यू नॉट तो यहां क्यू नॉट, यहां क्यू वन तो यहां क्यू वन। ये प्रोडक्शन बने हमारे किसके, जो हमारा नो ऑपरेशन फॉर फर्स्ट। अब हम सेकंड को थोड़ा छोड़ देते हैं, थर्ड पे आ जाते हैं। फॉर ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट कॉमा ए कॉमा ए, इसके लिए इक्वल टू क्यू वन कॉमा नल। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए बनेगा हमारा रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या कहता है, रूल नंबर टू कहता है कि ट्रांजिशन, अब ट्रांजिशन ये है तो यहां पे क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट जो भी कुछ है यहां पे क्यू नॉट कॉमा, यहां क्या लिखा ए तो कॉमा ए कॉमा, यहां क्या लिखा हुआ क्यू वन तो यहां पे आएगा क्यू वन टेंस टू, ये क्या लिखा हुआ है ए तो यहां क्या आएगा ए। दिस विल बिकम द प्रोडक्शन, दिस विल बिकम द प्रोडक्शन। ऐसे ऐप बॉक्स बनाते चले जाओ क्योंकि उसको समझ में आ जाए कि हमारा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉर फोर्थ ले लेते हैं। फोर्थ क्या है, ये हमने लिया फर्स्ट, ये हमने लिया सेकंड। तो हमने लिया फॉर किस तरह के ट्रांजिशन के लिए, ट्रांजिशन ऑफ क्यू वन कॉमा ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्यू वन कॉमा नल। यदि हमारा